अभी टाइम हो चुका है 12:30 और शुरुआत करते हैं अभी फटाफट ऑन करते हैं ओला और उबर। तो दोस्तों लगे रहिए वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। जो भी है मैं अहमदाबाद का ओला उबर का बिजनेस के बारे में लाइव प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, लाइव अपडेट करने की कोशिश करूँगा और पूरे दिन में कितना गाड़ी चलता है, कितना बिजनेस होता है और कितना CNG लगता है, सारा अपडेट आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फटाफट शुरुआत करते हैं और लॉगिन करते हैं ओला और उबर में, देखते हैं पहला ट्रिप किस में आता है। दोस्तों फर्स्ट ट्रिप मुझे आई थी वटवा से एयरपोर्ट के लिए, जो मैंने कस्टमर को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया, उसका पेमेंट जो भी आया है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसका पेमेंट ऑनलाइन कस्टमर ने मुझे पे किया है। फिर एयरपोर्ट से जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था तो एयरपोर्ट सर्कल पे से एक अंकल ने मुझे हाथ बताया था, बोले, तो मैंने गाड़ी रुकाया, अंकल बोल रहे, बोले गांधीनगर मुझे ऊर्जा नगर जाना है। तो मैंने बोला जो भी आपको ओला उबेर में फेयर बताता है वो दे देना। तो अंकल को कुछ 256 या 260 जैसा कुछ बता रहा था उसमें गांधीनगर जाने का, ऊर्जा नगर रक्षा शक्ति के पास में जाने का। तो मैंने कस्टमर को बिठा लिया और उनको यहाँ पर ऊर्जा नगर मैंने छोड़ दिया। अभी आप देख सकते हो मैं हूँ ऊर्जा नगर और अंकल ने मुझे 300 रुपया पे किया है ऊर्जा नगर का। तो दोस्तों दो ट्रिप अपना हो गया अभी तक का कंप्लीट और अभी मैं हूँ ये रक्षा शक्ति सर्कल से थोड़ा पास में, आप देख सकते हो अभी मैं हूँ गांधीनगर में। वेट करते हैं आगे साइड पे लगा के तीसरा बुकिंग का, क्योंकि पहला बुकिंग तो मुझे आया था उबेर में वो मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद पर्सनल बुकिंग मेरा है वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया और अभी ये तीसरा बुकिंग अपने, देखते हैं किस में आता है, ओला में या उबेर में, जिसमें भी आता है। तो लगे रहिए वीडियो में दोस्तों, जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करूँगा। लास्ट अपडेट मैंने जो दिया था गांधीनगर से, वहाँ से फिर एक ट्रिप मुझे मिली थी अडालज की, उसका पेमेंट 135 आया है। वो राइड मुझे आई थी ओला में और अभी मैं हूँ अडालज से थोड़ा आगे निकल के चांदखेड़ा के पास में आ गया हूँ। भूख भी थोड़ा बहुत लगा था तो मैंने फिर नाश्ता भी कर लिया अभी और अभी टाइम हो चुका है 4:15। तो दोस्तों लगे रहिए वीडियो में, देखते हैं अभी चांदखेड़ा के पास में बैठा हूँ, यहाँ से कोई किधर की राइड आती है, जो भी है आगे का अपडेट मैं आपको राइड आने के बाद में करता हूँ। दोस्तों दो बुकिंग और मैंने कर ली है कंप्लीट, जो मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था चांदखेड़ा से, वहाँ से फिर एक बुकिंग मुझे झुंडाल सर्कल से मिली थी सिंधु भवन रोड के लिए। मैंने कस्टमर को सिंधु भवन रोड ड्रॉप कर दिया था, उसका पेमेंट 350 के आसपास कुछ आया था, जो भी मुझे मिला मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर वहीं से मुझे दूसरी बुकिंग मिल गई थी बालाजी अगोरा मॉल मॉल के लिए, जो रिंग रोड पे है एयरपोर्ट वाले रोड पे, वहाँ पर मैंने अभी अभी कस्टमर को ड्रॉप कर दिया, उसका पेमेंट 331 रुपया आया, जो भी उस पर मुझे मिला है। मैं तो लास्ट अपडेट मैंने आपको जो दिया था एयरपोर्ट रोड से, वो राइड को मैं पिकअप करने जैसे गया तो कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी और कस्टमर का मुझे कॉल आया था, वो बोल रहा है ब्रिज के नीचे आओ, ब्रिज के नीचे आओ, यानी इंदिरा ब्रिज के नीचे आओ, और उसने लोकेशन डाला था अमूल डेयरी का। मैंने बोला इतने दूर तक ब्रिज के नीचे तो नहीं आएगी गाड़ी, तो फिर कस्टमर ने सामने से कैंसिल कर दी और उसका 48 रुपीज़ मुझे मिल गया कैंसलेशन चार्ज। फिर वहाँ पर 15-20 मिनट जैसा, आधा घंटा जैसा बैठने के बाद में मुझे राइड मिला ईसनपुर का। अभी मैं आ गया हूँ ईसनपुर और नारोल के बीच में, कस्टमर को मैंने अभी अभी कर दिया है ड्रॉप, क्योंकि वहाँ से राइड तो मिल रहा था लेकिन कालूपुर का नशा राइड मिल रहा था। मैंने बोला ऐसे राइड तो नहीं मारेगा अपने, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले एक राइड मिला उसको ईसनपुर, अभी ड्रॉप कर दिया मैंने कस्टमर को, उसका पेमेंट आया 297, जो भी मुझे मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और ये राइड भी आया था उबेर में। तो दोस्तों और मैंने ओला और उबेर दोनों डिवाइस कर दिया है ऑफ़, क्योंकि मैं अपने घर के पास में पहुंच चुका हूं, तो अभी यहां से अभी बुकिंग उठाना कोई मतलब नहीं है, जाएगा फिर रिटर्न मिला नहीं मिला तो। अभी आज जल्दी ऑफ़ कर दिया है और आज का मेरा टोटल अर्निंग है कुछ 1500 रुपये के आसपास का, आज का टोटल अर्निंग है दोस्तों। उसमें मैंने ओला में एक राइड मैंने कम्प्लीट किया है 150 रुपये का, 150 रुपये का, 135 या 45 रुपये का कुछ अर्निंग है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर उबेर में मैंने 4 राइड कंप्लीट किया है, 4 राइड का मुझे 1100 रुपया कुछ, 1050 या 1100 रुपया मुझे कुछ मिला है, जो भी है उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर जो मैंने वो एक पर्सनल बुकिंग कंप्लीट किया था एयरपोर्ट सर्कल से ऊर्जा नगर के लिए, रक्षा शक्ति सर्कल ऊर्जा नगर के लिए, वो मैंने पर्सनल बुकिंग कंप्लीट किया था दोस्तों, उसका 300 रुपया मुझे कस्टमर ने एक्स्ट्रा वो पे किया। वो सब मिला के, तीनों मिला के आज का मेरा टोटल अर्निंग 1500 के आसपास हो रहा है। और अभी CNG मेरी गाड़ी में पड़ा है करीबन 3 या 4 पॉइंट अभी पड़ा है, यानी आधी टाँकी से और आधी टंकी CNG मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है दोस्तों। तो अभी CNG तो आज मैं नहीं डलाऊंगा, क्योंकि अभी कल एक दो ट्रिप कंप्लीट करके फिर CNG डलाएंगे।
और आज मेरा गाड़ी टोटल रनिंग हुआ 120 किलोमीटर के आसपास का, 120 या 130 किलोमीटर के आसपास का टोटल आज मेरा कार रनिंग हुआ है, क्योंकि आज जल्दी मैं घर पे आ गया, इसके लिए गाड़ी भी कम रनिंग हुआ है और बिजनेस भी थोड़ा कम ही हुआ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।